अस्सलाम वालेकुम मामा जान, वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, आप कैसे हैं? ठीक है, जबरदस्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जहाजी जहाज पीछे असल में मदिया, आज हम बच्चों को लेके निकले हैं कि इनको छुट्टियां हुई थी, तो वो ये होता है कि घंटे दो घंटे निकली बाहर, इनको जब ले जाते हैं ना ये फ्रेश हो जाते हैं ना, अदरवाइज वही घर और वही फिर किताबें इनकी या कोई गेम वगैरह या कुछ घर के काम। और इस तरह ना आज यहाँ पे ना एयर शो था, तो उन्होंने कहा था कि बच्चे आएँ और $5 टिकट था, और हम लोग फिर बच्चे और मैं और आप दोनों आई हैं, चार बच्चे आए हैं, तो इसका ये बच्चे थोड़े से बच्चों ने इंजॉय किया। फिर लाइव ये एरोप्लेन देखे, जहाज़ देखे, हेलीकॉप्टर देखे, फिर आर्मी के जहाज़ देखे, एयरफोर्स के जहाज़ देखे, छोटे छोटे ये जहाज़ के हेलीकॉप्टर ही थे। फिर फौजियों का वो सामान देखा कि फौजियों ने जो किट वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो, उसके अलावा ये जहाज़ों को उठते हुए देखा, फिर जहाज़ के अंदर इनको हमने घुमाया फिराया, और मैंने छोटी छोटी वीडियो बनाई हैं, वो लगाऊंगी कभी। और फिर उसके अलावा लाइव इन्होंने जाके उसको जहाज़ को टच किया, जहाज़ क्या ये छोटे छोटे जहाज़ खुद जहाज ही बनाए। फिर वो एक बंदा, दो बंदे मैंने देखे तो उन्होंने खुद जहाज़ बना रहे थे, वो बच्चों ने लाइव देखा। और एक ने तो बच्चे को ना छोटा सा जहाज़ बना के भी दिया, ऐसे ही जैसे बनाते हैं उस। फिर हमने उससे पूछा कि कैसे, तो कहते हैं ये स्टील मिलता है, एल्युमिनियम मिलती है, उसे आप कटिंग करते हैं दूसरा ना। तो यहाँ लोगों ने तो फ़न किया है, लोगों ने खाना भी खाया आके, बाज़ार से चीज़ें भी खरीदी हैं इनकी, लेकिन हमें ये था कि हम लोग खा के आए थे, अब घर जाके खाएंगे इंशाल्लाह। और ये बच्चों को सिर्फ दिखाना था, यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए हैं, लोगों ने स्टॉल लगे हुए हैं, खाने पीने के भी हैं, म्यूज़िक भी है। और इसके अलावा अब तो ये टाइम अब ख़त्म हो गया, अप हो गया, पहले यहाँ पे हेलीकॉप्टर और जहाज़ इन्होंने उड़ाए हैं, काफ़ी शो किए हैं इन्होंने, कलाबाजियाँ भी लगाई हैं, और मतलब अच्छा लगा देख के, थोड़ा सा खुद फ्रेश हो गए। आज हमें काम भी था, लेकिन ये काफी देखे सारे प्लेन्स बाहर, ये देखे, हाँ बिल्कुल ना। और यहाँ ये लोगों जिनके अपने मेहनत जाती ये जहाज़ हैं छोटे छोटे, और ये यहाँ पे ले आए हैं नुमाइश के लिए ना, और कुछ लोगों ने उड़ाए भी हैं और ये सारे ना। तो फिर यहाँ पे और मतलब यहाँ पे एक और चीज़ थी, इन्होंने वो भी किया हुआ था, $50 टिकट रखा हुआ था, तो एक जहाज़ इन्होंने स्पेशल छोटा सा जहाज़ वही, और मेरा ख्याल उसके अंदर कुछ 10 या 15 बंदे बैठते होंगे, तो वो उन्होंने रखा हुआ था कि आप जो है ना इसमें आ बैठें और सवारी करें, और एक घंटे की मेरा राइड वो हवा में उनको उड़ाना था उन्होंने। तो मैंने देखा वो जहाज़ जब हम लोग आए हैं तो वो गया, तो अभी आया 3 बजे, तो 3 बजे के बाद अभी 4 बजे दोबारा आएगा, 4 बजे इन्होंने ख़त्म कर देना सुबह, कितने 10 बजे, 10 बजे से लेके और रात के ये शाम के 4 बजे तक था। तो हम लोग कोशिश है बस बच्चों को बाहर निकालने की, धूप बाहर थोड़े से, अदरवाइज घर के अंदर बंदा कहता है ठीक है मैं घर के अंदर ही ठीक हूँ। फिर बड़ा मजा आता है, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर के अंदर भी दिल लगा रहता है, और लेकिन जब बाहर निकलती हूँ मैं स्पेशली अपना सोचती हूँ, जब मैं बाहर निकलती हूँ मैं कहती हूँ अच्छा ही किया आ गई हूँ, तो जब मैं नहीं निकलती तो मैं कहती हूँ घर भी ठीक था, घर में भी बैठे हुए थे, हमारा तो टाइम गुजर जाता है, नमाज, रोज़ा, कुरान, फिर किसी से बातचीत होगी, पाकिस्तान से फ़ोन आ गया, यहाँ किसी से बात, लेकिन बच्चों के लिए ना मोबाइल भी इनको नहीं दे रहे, इनको आईपैड के आगे भी नहीं बैठने देते, इनको टीवी भी कहते हैं अगर स्क्रीन टाइम कम लें, तो फिर इनको ये है कि अब ये 2 घंटे या 3 घंटे हम कहते हैं इनको बाहर ले जाते हैं, चलो लोगों को मिलें, सोशल लाइफ हो, सीखा कि किस तरह लोग बनाते हैं और किस तरह ये जहाज़ किस तरह बन रहे हैं, किस तरह बनते हैं। फिर यहाँ पे एक मोबाइल सर्विस थी गाड़ी की, बस की, उसके अंदर ना लाइब्रेरी थी सारी, बच्चों ने कुछ वो लाइब्रेरी भी देखी, और बिल्कुल एयरपोर्ट वाला माहौल है, और वो जो थी ना बच्चों ने वहाँ पे किताबें भी कुछ देखी, कुछ किताबें खरीद ली भी, तो वो किताबें ऐसी हैं कि लाइब्रेरी में आप वापस भी कर सकते हो ना, तो अच्छा लगा है मुझे तो अच्छा लगा। हम दौड़ दिखाते हैं फिर जब तक हम बाहर निकलते हैं, सही है, दिखाई देते हैं जब हम बिल्कुल सारे लोग आए हैं बच्चों को लेके, तो देखिए मामा ये ऐसे ऐसे हाँ अच्छा लगा सारे ऐसे। और ये बच्चे, ये बच्चे अब्दुल्ला जान माद, सो ये पूरा उन्होंने फिर से मेला लगाया हुआ है, सही है, मेला पूरा के ये जहाज, ये जहाज दिखाते हैं हाँ।
जहाज पे अभी दिखाने लगे हैं। यहाँ पे ना खुशबू आ रही है इनके खानों की, यहाँ गए थे ना हम, देखा था ऊपर। ये ऊपर फिर ये एयरफोर्स का, इनका एयरफोर्स के भी दिखाते हैं दा ये देखें, ये जो जहाज इनके जंग में इस्तेमाल हुए हैं ना मदिया, तो वो जब खराब हो जाते हैं ना फिर नुमाइश के लिए रख देते हैं, तो ये नुमाइश हो रही है इनकी ना। तो पहले मैंने सोचा सही बंदा बैठा हुआ है, तो ये स्टैचू बना के ना अब बैठा दिया पक्का पक्का यहाँ पे ना। और ये देखें बस इस तरह के हैं, ये देख के एक्टिविटीज देख के अच्छा लगता है, अच्छा लगता है सारे काफी कुछ। Yeah, so inshallah, make sure to get out with the kids, get out with the family. Baron ko bhi bahar leke jao thoda sa. Haan, bilkul. Dhoop shoop lagaye, because aise bhi pata chalta hai na. Haan, bilkul. Itni zyada cheezein banayi hui hain, ab ghar mein sirf baith ke pata to nahi chalega ki kitni kya Allah ne. Ghar mein ek aur cheez hai, matlab ab ghar mein rehte ho na, fir aapka dhyan khane mein rehta hai. Yeah. Ye bhi kha lo, wo bhi kha lo, ye bhi kha lo. Fir aksar log kehte hain ji motapa bada ho raha hai. To motapa isliye ho raha hai ki hum log bas ya TV ke aage baith jaye. और किसी ने कहा था कि आप टीवी छोड़ दें और फिर आपका खाना पीना भी छूट जाएगा, तो जाहिर है जब आप बैठे हुए हो तो टीवी के आगे, तो फिर आपने कहना ये भी ले लें, ये भी ले लें, तो मोटापा ही होना है ना। वैसे वो सारे प्लेन्स नजर आते हैं हाँ जाते हुए, बिल्कुल वो जा रहे हैं। अब ये स्टॉल खत्म कर रहे हैं, ऐसा ये फौजी हैं, फौजी फौजी हुए कपड़े पहन के आए हुए हैं। Travel. Jazakallah khair, everybody. Inshallah. Thank you, Mama Jan.